अरे भाईजान, कौन हो? कैसे खड़े हो? किससे मिलना है? भाईजान, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे भूख लग रही है, रोटी को खड़ा हूँ। रोटी खाएगा? ठीक है, लाता हूँ। यहीं खड़ा रही हो? अरे भाईजान, जब तुम मुझे रोटी ला रहे हो तो क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैं जाऊँगा? पागल मान रहे हो? अरे भाईजान, तुम रोटी मांग रहे हो या मुझे तड़ी दे रहे हो? तड़ी नहीं मार रहा भाईजान, मैं तो तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ, ज्ञान बता रहा हूँ, ज्ञान सिखा रहा हूँ। ले आओ रोटी। ठीक है, खड़े रहो, मैं लाता हूँ रोटी। ठीक है भाईजान, खड़ा हूँ मैं यहीं। अरे बिजली! हाँ, आ रही हूँ। हाँ जी। दो रोटी ले आना, एक बाहर बेचारा भूखा रोटी मांग रहा है। दो ही रोटी दोगे? चार दे दो। कोई बात नहीं, चार ले आना। एक बात बता, सब्जी है? सब्जी तो ना है जी, अचार है। कोई बात नहीं, अचार रख के ले आ। ठीक है। अल्लाह का नेक बंदा है। ये लो, सब्जी तो थी नहीं, अचार से लाया हूँ। ठीक है भाईजान, बैठ कर खा लो। कहीं और ही खा लूंगा भाईजान, अल्लाह तेरा भला करे, लेकिन करेगा नहीं। करेगा नहीं? हाँ। क्यों? अरे भाईजान, अचार से रोटी लाए हो तुम, मुर्गे से रोटी लाते तो अल्लाह मियाँ तुम्हारी बहुत जल्दी सुनता, तुम्हारा भला करता। अब तो तुम्हें 10-12 अचार से रोटी देनी पड़ेगी जब भला करेगा। अरे बेटी, पहले खाना खा ले, इसमें पानी बाद में डाल लियो। अम्मी देखना, ये पेड़ भी सूखने लगा है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कोई नौकर रख लो, नौकर रख लो, इसकी देखभाल भी हो जाएगी और घर का काम भी हो जाया करेगा। अरे कोई मिले तभी तो, आजकल सब तो पढ़े लिखे हो गए हैं, घर में काम कोई करना ही नहीं चाहता। लेकिन अम्मी, हमें नौकर तो रखना पड़ेगा। मैंने बोला तो है यामिन भाई को, कोई मिलेगा तो ले आएंगे। हाँ अम्मी, अगर तुमने यामिन मामू को बोल दिया है तो वो जरूर ले आएंगे। चलो खाना खाते। हाँ चल बेटा, चल। चलो। अल्लाह उसका भला करे, मैं तो वैसे ही झूठ बोल रहा था, अल्लाह मियाँ भला जरूर करेगा। अरे मुल्ला जी, क्या कर रहे हो? भाईजान रोटी खा रहा हूँ, तुम क्या खाओगे? अब तो मैंने सारी खा ली, एक निवाला बच्चा, इसे खा लो। खा लो खा लो, आप खाओ, ऊपर वाला तुम्हें ज्यादा दे। क्या भाईजान, ऊपर वाला रोटी देता? हाँ भैया, ऊपर वाला देता है। भाईजान मैं तो मांग के लाया हूँ, मुझे तो नीचे वाले ने दी है। भाई मुल्ला जी, मेरा मतलब ये था कि ऊपर वाला सबको देता है, मुझे भी देता है, तुम्हें भी देता, सबको देता है वो। मगर भाईजान, मुझे तो ऊपर वाले ने कभी नहीं दी, मैं तो मांग के खाता हूँ, कैसा होता ऊपर वाला? यार सीधा आदमी है, इसे मैं कैसे समझाऊं? मेरी बहन ने एक नौकर के लिए कहा था, ऐसा करता हूँ, इसी ले जाता हूँ। भाई जान, क्या सोच रहे हो? भैया मुल्ला जी, मैं ये सोच रहा हूँ, तुम किसी के घर में काम कर लोगे, रोटी भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। कर लूँगा भाई जान, रोटी भी लूँगा, पैसे भी लूँगा। ठीक है, रोटी भी दिलवाऊंगा, पैसे भी दिलवाऊंगा, चल।
इसे खा ले, खा ले। या ले चलो तुम्हारे साथ चलूं? ना बेटा, इसे खा ले तू, ना खाया जा रहा तो फेंक दे। चला आ जा। कहाँ गए जी? हाँ चलो जी चलो, मेरा प्रोग्राम निकल जाएगा और मालिक गुस्सा करेगा, फिर पैसे भी नहीं देगा। मैं तो तैयार हूँ, तू तो चल। आओ तो फिर आओ, प्रोग्राम भी बहुत ही दूर है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि दूर के प्रोग्राम मत लिया करो, पास के लिया करो। अब ले लिया, आगे से नहीं लूँगी, गुस्सा ही करते रहते हो। ठीक है चल। अरे दरवाजा तो खुला ही छोड़ गई, वो कुंडी तो बंद करिया। जल्दबाजी में दरवाजा भी खुला छोड़ गए। चलो जी। हाँ रुक जा, चल। देख बेटा शेख चिल्ली। हाँ जी। बहुत ढंग से काम करना है, मेरी बहन का घर है। ठीक है, तुम्हारी बहन का घर है तो ठीक काम करूंगा। आजा, ये घर है। ठीक है। जमीला। हाँ भाईजान। उठ यहाँ खड़ा हो। और वालेकुम सलाम। और ठीक है? हाँ ठीक है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। और ठीक है बेटा? मैं ठीक हूँ मामू। जमीला। हाँ भाईजान। मुझसे कहा था ना नौकर के लिए? हाँ हाँ हाँ। देख मैं ले आया हूँ। पर भाईजान। हाँ। ये तो ज्यादा ही भोला भाला सा लग रहा है। हाँ अम्मी, ये कुछ ज्यादा ही भोला भाला है। इसे ये तक नहीं पता किसी के घर पे जाके दुआ सलाम भी करते हैं। अरे बेटा ये गरीब आदमी है, सीधा साधा आदमी है। देख बेटे, ये हमारे मजहब का पहला उसूल है कि जब भी किसी से मिलो तो सलाम करना चाहिए। सलाम करते हैं बेटा। ठीक है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। देखा मैंने कहा था ना, जितना इसे बोलोगे इतना ही करेगा ये, फालतू ना करे ये। हाँ अम्मी सीधा ये, ठीक है कर लेगा काम, रख लो इसे। हाँ देख, जो भी काम रुखसाना बताए उसे समझ लेना बेटी। रुखसाना अम्मी जैसे काम समझा दे। ठीक है अम्मी, चल भाई चल काम समझाऊं। हाँ बेटा समझा दे। जल्दी आ जा, ढीला ही है बिल्कुल। देख जमीला। हाँ भाई जान। नौकर तेरा बिल्कुल सीधा है और बहुत सच्चा आदमी है। हाँ लग तो रहा है सीधा ही। एक बात याद रख। हाँ भाई जान। इससे जितना बोलेगी इतना ही करेगा ये। अच्छा, उससे फालतू नहीं करेगा ये। अच्छा हाँ, कभी बाद में कह। तो अब मैं चलूँ? हाँ भाई जान, आते जाते रहना। आ जाऊंगा कोई बात नहीं। और कभी भाभी को भी ले आया करो, भाभी को कभी लाते नहीं हो आप। चल अब आऊंगा तो ले आऊंगा, मेरा बड़ा मन कर रहा है भाभी से मिलने का। चल ले आऊंगा। अच्छा ये तो बता। हाँ भाईजान। रुखसाना के अब्बू कब आ रहे हैं सऊदी से? अब फोन आया था उनका परसों। अच्छा। कह रहे थे कि ईद पे आऊंगा। अब देखो ईद पे। हाँ जी चल, इंशाल्लाह ईद पे मिलने आऊंगा मैं। ठीक है भाईजान, भाभी को जरूर लाना। चल ईद पे तेरे भाभी को लाऊंगा, तेरे भतीजे को लाऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक, ख्याल रखियो अपना। हाँ हाँ ठीक है भाईजान, आप भी अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी।
बक्सा तो बहुत भारी है, ला उठो इसे। चुप 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 चुप। हाँ चल आजा आजा। सरदार जी, भूख भी लग रही है। जुगाड़ हो गया, जल्दी चल।